हेलो बच्चों, और आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के फाइलम कोरिफेरा, सिलेंट्रिटा और टिनोफोरा। तो हम शुरू करते हैं कोरिफेरा से। तो कोरिफेरा को बच्चों कॉमनली क्या कहा जाता है? स्पंजेस। इनको स्पंजेस भी बोला जाता है। ये आपके मेनली एक्वेटिक होते हैं, ठीक, पर ऐसा है कि कुछ ज्यादातर ये मराइन में मिलेंगे और कुछ आपके फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, जैसे कि आपका स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला आपका फ्रेश वाटर मिल जाएगा। अब इनको पोरीफेरा बेसिकली क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी पे न्यूमरस माइन्यूट पोर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है। अब इनके डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, किस तरीके से मैंने इनको बनाया है, बस एक समझाने के लिए डायग्राम है। तो इनकी बॉडी पे क्या है, न्यूमरस पोर्स है, न्यूमरस ओपनिंग्स है। इन ओपनिंग्स को, इन पोर्स को हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया का मेन रोड यह होता है कि इसके जरिए इनके अंदर पानी चला जाए। कहाँ चला जाए? पानी चला जाए। तो वाटर की एंट्री जो होगी किसके थ्रू होगी बच्चों? ऑस्टिया के। अब आप देखेंगे कि ऊपर भी एक ओपनिंग है, जो टॉप में इनके जो ओपनिंग मिल रही है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्कुलम। इसका क्या रोल है? ये कराएगा एग्जिट ऑफ वाटर। पानी को अगर बाहर निकालना है तो कौन निकालेगा? ये ऑस्कुलम निकालेगा, ठीक है। और इसी में एक सिस्टम बन जाता है इनका, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक। अभी क्या करते हैं, जितने पूरी पेरेंट्स होते हैं इसी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू अपना जो रेस्पिरेशन है ना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, ठीक, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है और आपका एक्सक्रीशन है, ये तीनों चीजें आपका इस वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू हो जाता है, ठीक। अब इनका एक्सक्रीटरी मैटर जो रहता है वो एक्वाटिक है, तो मोस्टली एक्वाटिक में कैसा होता है बच्चों? अमोनिया। इनमें भी कैसा होगा बेटा? अमोनिया होगा। चलिए आगे समझते हैं हम। तो ये तो समझ में आ गया कि इनके में माइन्यूट पोर है इसलिए इनको पोरीफेरा बोला जाएगा, और स्पंजेस, वैसे इनका कॉमन नेम स्पंजेस है, ऑस्टिया होंगे, ऑस्कुलम होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इनके, चलो मैं स्ट्रक्चर बाद में बताता हूँ, मैं इनके कॉमन बातें बता दूँ बच्चों। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर है। कैसा है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनमें सेल्स मिलेंगे, टिश्यू नहीं मिलेंगे, एग्रीगेट्स ऑफ सेल, ठीक है। और डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, ठीक। कैसा है? एग्रीगेट ऑफ सेल है, और यहां पर आपको क्या मिलेगा कि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा, हर सेल अपना फंक्शन करने के काबिल, ठीक। अब इनको आप देखोगे जो सिमेट्री है बेसिकली, ये ज्यादातर कैसे होते हैं? ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इनकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती। पर दो ऐसे मिलते हैं जिनका नाम है साइकॉन और दूसरा है ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। इन दोनों में बच्चा आपको मिलती है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री कैसे मिलती है? रेडियम मिलती है, बाकी सब जितने भी पूरी फरन है सब में कैसे मिलेगी बेटा आपको? एसिमेट्रिकल है, ठीक है, ठीक। अगले पेज पे मैं आपको समझाता हूं इनकी बॉडी वॉल के बारे में। ठीक, अब अगर इनकी बॉडी वॉल को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इस तरीके से डायग्राम बना के देख ले रहे हैं, ये हमने बनाया है बीच में, ये ऐसे, ठीक है, ठीक है। हालांकि और भी इसको कर भी कर सकते थे हम, ठीक है, इस तरीके से, ठीक।
बॉडी वॉल में आपको देखने को मिलती है दो मेन लेयर। ये वाली कौन सी है? ये आउटर है, इसको बोला जाता है पिनेकोडर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? पिनेकोडर्म। और हर लेयर में अपने तरीके का सेल होगा। इसमें जो सेल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पिनेकोसाइट्स, ठीक है। दूसरे सेल जो पाए जाते हैं वो है बेटा पोरोसाइट्स। तो पिनेकोडर्म आउटर है, उसमें दो तरीके के सेल मिल गए। अब यहां पर क्या है, एक लेयर अंदर भी है, ठीक है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्वाइनोडर्म। और क्वाइनोडर्म में जो सेल पाया जाता है उसका नाम है क्वाइनोसाइट्स। क्या नाम है बच्चे? क्वाइनोसाइट्स। अब ये जो क्वाइनोसाइट्स हैं इनका एक और नाम है, इनको हम लोग कहते हैं कॉलर सेल। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलर सेल बोलते हैं। अब इनको कॉलर सेल का अगर आप डायग्राम देखोगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है। ये आपका बन गया सेल, और इसमें आगे क्या लगा है इस तरीके से, ये बन गया, देन आपका ये बन गया, एक कॉलर नुमा हो गया, और इनसे क्या निकल रहा है बच्चों? एक फ्लैजेला निकल रहा है, ठीक है। और इनके पास होता है न्यूक्लियस, ठीक। तो ये जो सेल होते हैं दे आर अरेंज हियर, यहां पर अरेंज होते हैं, ठीक, इस तरीके से, है ना, दिख रहे हैं आपको ये, इस तरीके से आपके कॉलर सेल अरेंज होते हैं। तो यहां पर अरेंज होने का मकसद क्या है, क्या क्यों अरेंज हुए ये यहाँ पर क्वाइनोडर्म में क्यों है? देखिए अब ये ही समझ जाइए कि बहुत इंपॉर्टेंट है पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा आए तो कॉलर सेल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, यहां पर क्या है, ऑस्टिया लगे हैं, आपको मालूम है देयर आर न्यूमरस ऑस्टिया, और साथ में क्या है, एक ओपनिंग है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ऑस्कुलम कह रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, ये ऑस्टिया हो गए। ऑस्टिया आर फॉर द एंट्री ऑफ वाटर। अब एंट्री ऑफ वाटर भी पता है आपको क्यों होगी, क्योंकि क्या है, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन सब कुछ इससे करना है। तो पानी निकल कहाँ से बाहर रहा है, वाटर की एग्जिट कहाँ से, ऑस्कुलम से। तो बाहर निकालने के लिए फ्लैजेला की जरूरत पड़ती है, वो एक करंट को मेंटेन करता है, ठीक है। ये जो फ्लैजेला है ये करेगा पानी को बाहर निकाल देगा। ऑलराइट, तो ये इसका एक काम तो ये हो गया कॉलर सेल का, जो आपको याद रखना है कि इट हेल्प इन मेंटेनिंग द करंट ऑफ वाटर फॉर द एग्जिट, ठीक है। कॉलर सेल क्या काम कर रहा है, हेल्प इन मेंटेनिंग द करंट ऑफ वाटर फॉर एग्जिट, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि न्यूट्रिशन में इसका रोल है। आप जानते हैं कि कॉलर सेल क्या करते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर डाइजेशन होगा। क्या होगा बच्चों? डाइजेशन होगा। अब किसी सेल के अंदर अगर डाइजेशन हो रहा है ना, अगर किसी सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, मतलब होता क्या है, न्यूट्रिशन आया इधर से, ठीक है। अब वो डाइजेस्ट होने के लिए कहाँ चला जाएगा, इन कॉलर सेल में चला जाएगा। कॉलर सेल में जानते ही उसमें एक वैक्यूल बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो जाएगा, वो प्रोसेस आपको समझना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि हाँ कॉलर सेल के अंदर डाइजेशन हुआ है। अगर कोई डाइजेशन सेल के अंदर होगा उसको क्या बोलोगे आप, इंट्रा सेलुलर। तो डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, और बाय द हेल्प ऑफ कॉलर सेल दैट आर प्रेजेंट इन द इनर लेयर ऑफ पोरीफेरस, ठीक है। अब एक और बात, आप देख रहे हैं कि ऑस्टिया से पानी एंटर हुआ इनटू द कैविटी, तो इस कैविटी का एक नाम है, किसकी कैविटी है, स्पंजिस की। कैविटी को क्या बोलते हैं, सील, ठीक है, सील या सीलोम, ठीक है। तो सील शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो स्पंजिस की सील है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पंजो सील, ठीक है। इस कैविटी को हमने बोला स्पंजोसील, और यहाँ पर ही सब कुछ होने वाला है, ठीक है। पानी के जो भी कुछ है यहाँ पर फ्लो होगा, ठीक। अब होता क्या है, आउटर पिनेकोडर्म और इनर क्वाइनोडर्म के बीच में एक जिलेटेनियस मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक जिलेटेनियस मैटर प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मीजनकाइम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मीजन काइम। देखिए मीजन काइम के पास भी अपने सेल होते हैं,
तो इनके सेल कहते हैं अमीबोसाइट्स। उसमें भी आपको जो याद करना है वो याद करना है स्क्लेरो ब्लास्ट, ठीक है। अब इसका रोल कहां पर है, आपने सुना होगा कि इनका जो स्केलेटन है वो बना हुआ है स्पिक्यूल से, है ना, स्पिक्यूल से, जो छोटे कांटेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं इनका स्केलेटन। तो स्केलेटल सिस्टम को बनाने में जो रोल है वो कौन प्ले करता है, स्क्लेरोब्लास्ट, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अब और भी मैं यहां बात आपको बता दे रहा हूं, भाई स्केलेटल सिस्टम आपका कैल्शियम का होगा या फिर इनका सिलिकेशियस होगा या स्पंजिन फाइबर का होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इनमें फॉर्मेशन ऑफ स्पिक्यूल होता है, ठीक है। स्पिक्यूल का डायग्राम मैं दिखा दे रहा हूं मैं आपको, ये किस तरीके से दिखते हैं स्पिक्यूल, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये दिख रहे हैं आपको, न्यूक्लियर न्यूक्लियर से जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये सब के सब क्या है, ये स्पिक्यूल्स हैं। तो इनमें क्या होता है, इंटरनली ये स्पिक्यूल्स लगे होते हैं इस तरीके से। तो इनका जो स्केल्टन होता है वो इंटरनल स्केल्टल सिस्टम है, कैसा है बच्चे, इंटरनल स्केल्टल सिस्टम। अब इसका स्केल्टल सिस्टम बना होता है आपका स्पिक्यूल्स का, ठीक। ये जो मैंने बनाए हैं बताइए क्या बनाए हैं मैंने, स्पिक्यूल्स, और ये स्पिक्यूल्स कैन बी कैल्शियम स्पिक्यूल्स और सिलिकेशियस स्पिक्यूल्स। इसके अलावा इनका स्केल्टन बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स का, ऑलराइट। तो बेसिकली इनमें ये पाया जाता है, क्लियर। इनका स्केलेटन सिस्टम इस तरीके से बना होता है, ठीक है बच्चों। ये इनके यूनिक फीचर हैं, ठीक। अब इनकी अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा बहुत ही आसान है इनका रिप्रोडक्शन समझना। देखिए इनमें जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली वो बोथ है, कैसा है बेटा, बोथ है। यहां पर ये सेक्सुअल भी करेंगे और एसेक्सुअल भी करेंगे, ठीक है। सेक्सुअल में ये आपका गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के बाद फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के बाद बेसिकली एक और पॉइंट मुझे याद आ गया, गैमीट फॉर्मेशन में एक सेल का रोल होता है जिनका नाम है आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स आर ए स्पेशल काइंड ऑफ सेल दैट हेल्प इन अ गैमीट फॉर्मेशन। फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद बच्चों क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और ये, या फिर मैं डायरेक्टली बोलूं कि फ्यूजन के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद बीच में लार्वा आएगा, लार्वा के बाद देन अडल्ट आएगा। तो बच्चा अगर फ्यूजन के बाद बीच में लार्वा आ रहा है तो बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज आ गई, तो ऐसा डेवलपमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा होगा इसमें, इनडायरेक्ट। अच्छा दूसरी चीज, फ्यूजन कैसा है, फर्टिलाइजेशन को फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन इनका कैसा होता है, इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा है बच्चों, इनमें इंटरनल, क्लियर है बच्चों। तो अब एसेक्सुअल में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं, या तो ये करेंगे बच्चा बडिंग, ठीक है, या फिर ये करेंगे बेटा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन होता है, इनमें स्पेशल मास पाया जाता है, सेल मास, जिसको बोला जाता है गैम्यूल्स, ठीक है। और गैम्यूल्स में होते हैं आर्किसाइट्स, ठीक है। गैम्यूल्स में क्या होते हैं बच्चों, आर्किसाइट्स, क्लियर। ये आपका मेनली काम होता है। बडिंग आपका इसमें पाए देखने को मिल जाती है, सिंपल सा बडिंग है, बडिंग आपका मिल जाएगी। तो दो दो तरीके के होते हैं, एक तो बडिंग और एक आपका फ्रेगमेंटेशन। तो ये इनका रिप्रोडक्शन है। देन अगर एग्जाम्पल की बात करी जाएगी,
एग्जाम्पल इनमें आते हैं आपके कौन से, जितने भी आपके हैं, साइकॉन है, यू स्पॉन्जिया है और स्पॉन्जिला है, ठीक है। ये तीन इनके क्या हो गए बेटा, ये एग्जाम्पल हो गए।